हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्ज़ाम कैसी जा रही है आपकी? अच्छी जा रही है। हाँ, आपको दो दो काम करने हैं, पढ़ाई भी करनी है और साथ में एग्ज़ाम भी देनी है। तो ध्यान से एग्ज़ाम देते समय एग्ज़ाम की तैयारी करना और लिखते समय, पढ़ाई करते समय आप पढ़ाई में ध्यान देना, बराबर। तो हम आज हमारी ही विषय की टेस्ट है, इसीलिए आप सबको फिर से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह से ध्यान देकर सही मात्रा से पेपर लिखोगे। हो सकता है आपने पेपर लिखने के बाद वीडियो देखते हो तो आपका पेपर अच्छा ही गया होगा, बराबर। और जो आप पहले वीडियो देखते हो तो आप सबको फिर से, तीसरी बार मैं कह रही हूँ, बेस्ट ऑफ लक। ओके, चलो अब पढ़ाई की बात करते हैं आगे। हमने इसकी पहले की वीडियो में देखा कि हमारी जाने मानी हस्ती अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर के बारे में कुछ समझने का प्रयत्न किया। अब हम नंबर 3 और नंबर 4 देखेंगे, बराबर। मदर टेरेसा और डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो पहले है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में जो हम जानकारी लें तो मदर टेरेसा को दया की देवी, इखरा उत्तरण में ये शब्द लिखोगे दया की देवी के नाम से पूरा विश्व जानता है। क्यों? तो वो मैं सुनाऊं आपको। उनका जन्म यूरोप के युगोस्लाविया देश के स्कोपियो शहर में 26 अगस्त 1910 के दिन हुआ था। वह किसान परिवार में जन्मी थी। देखो यहाँ पर आपने एक बात देखी, यहाँ पर मैं जो भी आपको कहूँगी वो थी कहूँगी, ये थी वो थी, ये करती थी वो करती थी। और हमने आगे जो दो चित्र के बारे में परिचय लिया वहाँ मैंने है कहा था, ये है वो है, ये करते हैं वो करते हैं, है ना। तो क्यों ऐसा आपने जाना, पता है आपको? वो इसलिए कि ये दो जो पहचान हमने समझी वो अभी भी है, बराबर। इसीलिए उनके बारे में हमने ऐसे हमारे वाक्य बनाए, वर्तमान काल जिन्हें कहते हैं। और ये मदर टेरेसा के बारे में जो हम जानते हैं वह अभी हमारे साथ नहीं है और इसीलिए वह हमारा भूतकाल बन गए। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इसीलिए आज भी हम उन्हें याद रखते हैं,
बराबर। और इसीलिए सभी वाक्यों के साथ हम थे का प्रयोग करते हैं, थे थी, बराबर। तो वह किसान परिवार में जन्मी थी, 19 साल की उम्र में वह भारत आई। उन्होंने कोलकाता को अपना घर बनाया। पहले गरीब, दुखी, अनाथ, बीमार और निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करना शुरू किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, चिकित्सालय यानी अस्पताल, दवाखाना और विद्यालय शुरू किए। इसके अलावा रक्तपित्त के रोगियों, रक्तपित्त ये एक रोग है जो बहुत खराब होता है, तो ये रक्तपित्त के रोगियों की भी अनन्य सेवा की, यानी कि उनके साथ भी रहकर उन्होंने ऐसे रोगियों की सेवा की थी। कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। ये एक संस्था है और उसका नाम है निर्मल हृदय। ये भी आप एक हरा अवतरण में लिखोगे, बराबर। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज, एक हरा अवतरण में लिखोगे, और भारत रत्न, जैसे लता मंगेशकर को मिला ना भारत रत्न, वैसे मदर टेरेसा को भी भारत रत्न जैसे कई सम्मान मिले थे। यह दया की देवी, दया थी उनमें, बहुत दयालु थे, इसीलिए दया की देवी। 5 सितंबर 1997 के दिन हमेशा के लिए चल बसी, यानी कि हमसे दूर हो गई और अपना नाम हमें देकर गई, बराबर। तो ये मदर टेरेसा थी, समझे आप, बराबर। अब है ये कौन है, जल्दी बताओ कौन है। यस, डॉक्टर विक्रम साराभाई। चलो अब इसके बारे में देखते हैं हम। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। पिता का नाम अम्बालाल और माता का नाम सरला देवी था। यहाँ पर भी सभी था लिखते हैं, देखो क्यों, क्योंकि ये भी हमारे बीच नहीं है और हमें बहुत कुछ देकर गए हैं, बराबर। तो था, उन्होंने परमाणु ऊर्जा यानी कि वैज्ञानिक विज्ञान के बारे में, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य किया था, यानी कि ये सभी कार्यों में वह व्यस्त रहते थे। सभी का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। वे परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष बन गए थे। उनके प्रयत्न से भारत में दूरसंचार यानी बात करना, बराबर, दूरसंचार, दूरदर्शन, टीवी,
मौसम विज्ञान वातावरण का हमें जो समाचार देते हैं ना, अभी ये यहाँ पर ये है बारिश है तो यहाँ पर बारिश होने वाली है होगी, तो ये जानकारी जो है तो वह मौसम विज्ञान आदि से संबंधित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, आज भी ये सब कार्य कर रहे हैं जो हमें उन्होंने दिया। किसने दिया? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, बराबर। उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र, लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की है। नेहरू विकास संस्थान एक संस्था है और उनकी स्थापना भी ये हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की है। आगे अगली कक्षा में आप जाओगे तो उनके बारे में पाठ है, जो पाठ में आपको बहुत कुछ जानना मिलेगा, बराबर। तो आज हम इतना ही, ये दो ही व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, ओके। तो आप अच्छे अक्षर से सही मात्रा से इन्हें अपनी नोट में लिख लोगे, यानी कि आपके पास ये चार व्यक्तियों की जानकारी हो गई। पहला अमिताभ बच्चन, दूसरा लता मंगेशकर, तीसरा मदर टेरेसा और चौथा है डॉक्टर विक्रम साराभाई, बराबर। तो अपनी नोट में अच्छी तरह से, अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से समझकर लिखोगे। अभी सिर्फ लिखना ही काम करना, बराबर। हमारी 12 तारीख के बाद परीक्षा जब ख़त्म हो जाए तब आप ये सब फिर से एक बार पढ़ लेना, जो आपको याद आ जाए, बराबर, ओके। फिर से और बाकी विषय के लिए सबको ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।